खबर छतरपुर से है, जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मेडिकल लाइसेंस जारी करने के नाम पर खुलेआम रिश्वत की मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार बमेठा निवासी अरविंद उपाध्याय द्वारा 7 माह पूर्व 15 जुलाई 2022 को मेडिकल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन लाइसेंस जारी नहीं किया गया। आज पीड़ित ने जनसुनवाई में आकर कलेक्टर संदीप जी आर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित अरविंद उपाध्याय ने मीडिया को आप बीती सुनाते हुए कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल द्वारा उसे पिछले 7 माह से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह शिक्षित बेरोजगार है और बी फार्मेसी करने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मेडिकल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल द्वारा 40 से 45 हजार रुपए की मांग की जा रही है, जो कि वह देने में असमर्थ है, इसलिए उसका लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। पीड़ित ने कहा कि आज जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पूरे मामले में जब मीडिया ने ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल का पक्ष जानना चाहा, तो वह उल्टा पत्रकारों पर रौब झाड़ते हुए नजर आए हैं और अपनी कार्य क्रमांक MPB CJ 8013 से भागते हुए भी नजर आए हैं। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर छतरपुर में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल पर लेन देन का यह पहला आरोप नहीं है, इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में छतरपुर कलेक्टर क्या कार्यवाही करते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। ड्रग इंस्पेक्टर पत्रकारों को मुझे घेर के मारने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, है ना? घेर के मारने की कोशिश करो, मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूं। बिल्कुल 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 पहुंच अरविंद उपाध्याय बमीठा के हैं। आज हमने लगभग 7 माह पहले 15 जुलाई 2022 को मेडिकल स्टोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आवेदन किया था, ऑनलाइन भी किया, 2 बार अपने ड्रग इंस्पेक्टर को भी ऑफलाइन दे चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट सब सही थे, सिर्फ जब उनने पैसे की हमसे मांग की, वो स्पष्ट बोल रहे थे कि आप हमें 40 से 45 हज़ार दो दिन में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइसेंस अथॉरिटी हैं, अपने विभाग के हेड हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और पैसा आपको लगेगा, लाख उपाय आप कर लो, किसी के भी फ़ोन करा लो, किसी से भी आप मिलवा दो, बिना पैसे के आपका नहीं होने वाला। और हम रामलखन पटेल का स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन वो इतने समझदार हैं, इतने खिले खिलाड़ी हैं कि फ़ोन पे ये बातें नहीं करते हैं, वो यहाँ वहाँ मिलते हैं, कभी अपने ऑफिस में भी नहीं मिलेंगे, यहाँ वहाँ मिलेंगे और स्पष्ट मोबाइल निकलेगा, मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे इतना दो के पैसे ये उद्योग मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करने के लिए, क्योंकि इनका जो है ये लाइसेंस अथॉरिटी है, फिर जाके जब ये यहाँ से कर देंगे रिकमंड, तब जाके वहाँ जाता है ज्वाइंट डायरेक्टर के पास। हाँ उस दिन बैठे थे हम इनके ऑफिस में, CMHO के बगल में था, तो एक दो लिफाफे कर रहे थे, उसे बोल रहे थे ये इसमें जानते हो क्या है, तो हमने हम नहीं जानते, बोल रहे ये पैसे जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि जैसे मान लो अपनी कोई न्यूज व्यूज नेगेटिव ना चले, ऐसा उन्हीं का बोलना था। अब वो बता रहे थे कि पत्रकारों को देते हैं, अब तो हमने उनको, हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं है कि हमने उनका कोई वीडियो वीडियो बनाया, लेकिन उन्हीं के अब वो तो हर चीज़ को लिए बोल रहा है, 7 महीने तक हमारा कोई कुछ नहीं है, अभी तो वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में कमी है, हमने ऑनलाइन किया उसका, हमारा एक एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन है, आप लोग कहो तो हम पूरा आवेदन आपको दिखा देंगे, जितने कागज़ की उसमें चाहिए है पूरी हर कागज़ की पूर्ति है, और नहीं थी तो बताते, 7 महीने हो गए बताते, हम उस कागज़ को फिर से देते। वो पैसों की मांग करती हैं तो खुद लेते हैं कहीं और भेजते हैं? एक उनके दलाल बैठे हैं रजनीश खड़े करके डाकखाने पे, बोलते हैं उधर पैसा जमा करो, तब वहाँ भी वहाँ से फोन, हम 7 महीने से परेशान हैं। नहीं ऐसा कोई भी, मैं सभी को ये क्लियरली एक ये है कि कहीं पे भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डिमांड्स ऐसा कोई हो तो उसको शासन के संज्ञान में लाए ऐसे, और बिल्कुल कोई ऐसा डिमांड्स में ये नहीं करे, और नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करे और उसमें कार्रवाई होगी और ऐसे चेक किया जाएगा। आपके सामने भी एक मामला आया था, उसको जांच करने हैं तो चेक करने के लिए बोला गया है, और अगर कोई इशू होगा उसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे और उनको इंश्योर करेंगे कि नियमानुसार जो लाइसेंस की कार्रवाई वो किया जाए।